नमस्कार। ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन है जिसमें एसी वन करने के बाद जो तीन रीडिंग आप देख रहे हैं ये है, तीन रीडिंग दिखा रहा है। पहला ऊपर वाला जो है एसीएच वो ऊपर का जो है 0.019, दूसरा है पीएम 2.5 जो 139 दिखा रहा है, और टीवीओसी 0.143 दिखा रहा है। ये तीन रीडिंग ऐसे ही दिखा देता है वन करने के 6 मिनट बाद आपको सही रीडिंग आ जाएगी। वन करने के 6 मिनट बाद कैलिब्रेट करना हो तो कभी कभी जब बहुत दिन बंद है तो 30 मिनट तक छोड़ना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली 6 मिनट बाद ये दिखा देता है। अब इसके बाद PM1 देखने के लिए, PM10 देखने के लिए फिर से हमको एक बटन दबाना पड़ता है। यहाँ पर तीन बटन है, एक है फंक्शन बटन, ये बीच वाला बटन जो है, बीच वाला बटन जो है ये है कैलिब्रेशन बटन, और ये वाला बटन म्यूट बटन है। तो यहाँ पर फंक्शन बटन दबाएंगे और फंक्शन बटन दबाने के बाद ये रीडिंग चेंज हो जाता है। ऊपर वाला PM1 है, नीचे सबसे नीचे वाला PM10 है, और बीच वाला PM2.5 है। अभी ये है कि PM1 ऊपर और PM10 नीचे है, इस प्रकार से टोटल हमें 5 चीज़ दिखाई देता है। अभी जो दिख रहा है ये है CHO, PM2.5 और TVOC, और जब जैसे ही कैलिब्रेशन बटन दबाते हैं तो आ जाता है PM1, PM2.5, और ये आ गया हमारा PM10। बस ये 5 आइटम्स दिखाई देते, 5 क्वालिटी दिखाई देते हैं, और इसको वन ऑफ करने के बाद अब 6 मिनट के बाद हमको इसको इधर उधर बदल देते हैं। इसको ऑफ करने के लिए बटन इधर से किनारे से, इस बटन को ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो अभी इसको फिर टाइम लगेगा 6 मिनट, तब फिर ये तीनों रीडिंग दिखाना शुरू करेगा। नमस्कार।